दोस्तों ब्लॉकपॉइंट ने जनरेशन जी स्मार्ट सीरीज लॉन्च की है इंडिया में और उसके अलग अलग वेरिएंट्स निकाले हैं। तो क्या है इसकी प्राइसिंग, क्या है स्पेसिफिकेशन, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इसके बाद घंटी बजे टन टनाटन और शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात ऐसी कि यहाँ पे ब्लॉकपॉइंट ने उनके एचडी और फुल एचडी टीवी लॉन्च की है सितंबर 2019 में। 2018 सितंबर में उन्होंने लॉन्च की थी उनकी 4K टीवी एचडी और फुल एचडी टीवी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्होंने इस साल एचडी और फुल एचडी टीवी लॉन्च की है। और ब्लॉकपॉइंट के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ब्लॉकपॉइंट जो है एक जर्मन ब्रांड है और उसके कार प्रोडक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कार प्रोडक्ट्स मतलब जो कार में ऑडियो है, वीडियो है, ब्लूटूथ स्पीकर सब कुछ पॉपुलर थे। और इसी के साथ उनके टीवी भी काफी अच्छी थी 2018 मॉडल की। और यहां पे आज बात करेंगे 2019 के मॉडल की। तो यहां पर उन्होंने एचडी और फुल एचडी टीवी लॉन्च की है, तो बात कर लेगा इसके वेरिएंट की कौन-कौन से वेरिएंट में लॉन्च किया है। तो यहां पर स्टार्टिंग उनका जो वेरिएंट है वो 32 वेरिएंट्स उन्होंने स्टार्ट किया है जो कि एचडी टीवी है। और दूसरा वेरिएंट है उनका एक 40 इंच का, 43 इंच का और 49 इंच का। और बात कर ले यहां पे प्राइसिंग की, तो 32 इंच वाले जो एचडी टीवी है वो लॉन्च की उन्होंने 10,000 रुपए के प्राइस में। और बात कर ले यहाँ पे 40 इंच वाली टीवी के बारे में, तो वहां पर आपको 16,000 रुपए की फुल एचडी टीवी देखने मिल जाएगी। और दूसरी तरफ अलग अलग वेरिएंट की बात करो तो यहाँ पे 43 इंच वाली टीवी है जिसका प्राइसिंग उन्होंने रखा हुआ है 20,000 रुपए के आसपास, ये भी फुल एचडी टीवी है। और इसी के साथ साथ जो लास्ट वेरिएंट है 49 इंच वाला, वो भी फुल एचडी टीवी है लेकिन अभी तक वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है। और उसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर वो आपको 25,000 रुपए के आसपास देखने मिल जाए। सो ये सारे उनके वेरिएंट उनके प्राइसिंग है। और बात करो यहाँ पे जो 32 इंच वाली टीवी है वो एचडी रेडी टीवी और बाकी सारी वेरिएंट्स फुल एचडी टीवी है। तो यहां पर अगर मैं एचडी रेडी की बात करूं तो आपको रेजोल्यूशन जो देखने मिलेगा 1360x768 का एचडी रेडी टीवी देखने मिलेगा जो सिर्फ 32 इंच वाले में है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं बाकी वेरिएंट्स की मतलब 40 इंच की, 43 इंच की और 49 इंच में, तो वहां पर आपको फुल एचडी टीवी देखने मिलेंगे और जो रेजोल्यूशन है 1960x1080 का देखने मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में जो चार के चारों में टीवियों में सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यही है 32 इंच वाली टीवी एचडी टीवी है और बाकी सारे वेरिएंट फुल एचडी टीवी है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर आपको 30 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा, 1GB का रैम, 8GB का इंटरनल स्टोरेज इसी के साथ देखने मिल जाएगा, 1.5GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें लगाया हुआ है ब्लॉकपॉइंट की तरफ से। और बात कर ले यहां पे कंटेंट प्रोवाइडर की, तो यहां पर Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube सब के सब ऐप परफेक्टली चलने वाले और इसी टीवी में आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। और बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के बारे में, तो 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट सारे के सारे टीवियों में दिया गया है। और कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे आपको सबके सब टीवियों में 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ इथरनेट का पोर्ट देखने मिल जाएगा, इसी के साथ ही साथ 3.5mm का जैक भी देखने आपको टीवी में मिल जाएगा। और चार के चारों वेरिएंट में आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन है कौन सा है वो अभी तक ब्लॉकपॉइंट ने स्पेसिफाई नहीं किया। तो हो सकता है उसमें 5.0 भी हो सकता है या फिर 9.0 भी हो सकता है, तो ये फिर अभी कोई भी अपडेट हमें ब्लॉकपॉइंट की तरफ से नहीं मिलेगी, जैसे ही मिलेगी डिस्क्रिप्शन में अपडेट मैं कर दूंगा। और इसी के साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपको टीवी में वाईफाई भी देखने मिल जाएगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो टीवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका पैनल या फिर तो बोल सकते हो डिस्प्ले के लिए क्या यूज किया। तो यहां पर उन्होंने A+ ग्रेड का पैनल यूज किया जिसके थ्रू पिक्चर क्वालिटी तो बहुत अच्छी होने वाली है, कलर आपको काफी विविड दिखेंगे। इसी के साथ साथ जो व्यूइंग एंगल दिया 178° एंगल पे आपको परफेक्टली देखने मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी के साथ साथ जो डायरेक्ट LED है वो यूज किया गया है यहां पर इस टीवी में। इसी के साथ ही साथ आपको टीवी में मीरा कांच का सपोर्ट देखने मिल जाएगा जिसके थ्रू होगा कि आपका जो मोबाइल है मोबाइल का कंटेंट सीधा सीधा प्ले करो टीवी में और बस एंजॉय करो। तो मतलब आपका मोबाइल में जो भी सब कुछ है सब कुछ आप ऑपरेट कर सकते हो आपके टीवी में, तो ये आपको इस टीवी में देखने मिलने वाला है। बात कर ले यहां पे बॉक्स कंटेंट के बारे में, तो यहां पर आपको एक टीवी मिल जाएगी, स्मार्ट रिमोट मिल जाएगा, इसी के साथ ही साथ बैटरीज मिल जाएंगी, यूजर मैनुअल मिल जाएगा, वारंटी कार्ड मिल जाएगा, वॉल माउंट और टेबल टॉप दोनों चीजें आपको बॉक्स कंटेंट में देखने मिलेंगे। तो यहां पर आपको वॉल माउंट के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा जो हमको MI की टीवी में देखने मिलता है कि हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यहां पर एक अच्छी बात है ब्लॉकपॉइंट की तरफ से कि हमें वहां पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा है स्पेशली वॉल माउंट के लिए। और जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी इस टीवी की, यहां पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है।
वन ईयर की वारंटी तो सब टीवी में देखने मिलती है, तो यहाँ पर खास क्या है? तो खास यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आपको जो आफ्टर सेल सर्विस है बहुत जबरदस्त होने वाली है, वो ऐसे होने वाली है क्योंकि आपको ब्लॉकपॉइंट की तरफ से एक ऐप डाउनलोड करना होगा, ब्लॉकपॉइंट टीवी केयर ऐप, जिसके थ्रू आपको एक बार आपका जो प्रोडक्ट है एक बार रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर करने के बाद आपको पूरी की एंड टू एंड सर्विस आपको ऐप के थ्रू करना है, आपको कोई भी कस्टमर केयर पर कॉल नहीं करना है। तो सारे के सारे जो सर्विसेज है आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएंगे, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, बार बार कॉल करने का भी जरूरत नहीं है, सब कुछ इस ऐप के थ्रू हो जाएगा। तो ये ब्लॉकपॉइंट की तरफ से ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा एक फीचर बोल सकते हो जो उन्होंने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए दिया है, तो एक हैट्स ऑफ टू ब्लॉकपॉइंट। तो दोस्तों यही थे सारे वेरिएंट, सारे स्पेसिफिकेशन, सब कुछ, प्राइसिंग। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये टीवी परचेस करना है तो ये टीवी जो है फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ आपको टीवी फ्लिपकार्ट पे देखने मिलेगी और ऑफलाइन कहीं भी देखने मिले नहीं मिलेगी। ऑनलाइन आपको सिर्फ अगर परचेस करना है आपको फ्लिपकार्ट से ही परचेस करना पड़ेगा। ब्लॉकपॉइंट ने टाइप किया है फ्लिपकार्ट के साथ, इसलिए आपको सिर्फ वहां पे ही उसकी सेल देखने मिलेगी और वहां से ही आप परचेस कर सकते हो। इसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट वाले ना ओल्ड टीवी एक्सचेंज का भी ऑप्शन दिया है, मतलब आप पुराने टीवी दो और नया टीवी लो, ये भी ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ तरह तरह के फीचर्स और ऑफर भी दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप अलग अलग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करके डिस्काउंट ले सकते हो। इंस्टेंट डिस्काउंट 5% 10% का भी दिया गया है, जहां पे HDFC और ICICI का ऑफर चल रहा है। इसी के साथ तो ऑफर चेंज भी होते रहते हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिए आपको कौन सी टीवी लेनी है, और सारे ऑफर्स को अप्लाई करने के बाद आपको एक अच्छा बेनिफिट मिले ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आपको कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, इसी के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ID हैप्पी गाइड, बाय बाय।